उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में शिक्षा विभाग लापरवाही बरतने में लगा है। इसकी वानगी उस समय सामने आई जब शहर के बीच स्थित एक प्राथमिक स्कूल की दीवारों पर आपत्तिजनक स्लोग लिखवाए गए। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए करोड़ों रुपये का बजट जारी करती है ताकि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा सके, लेकिन स्कूलों का स्तर देखकर बच्चों का भविष्य पर तरस आता है। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट में जैसे बुक करा कि यहाँ पे ये लिखा था कि जो मैंने आपको शेयर भी करा है और बताया कि यहाँ पर मूत्र है, फिर मैंने यहाँ पे काफ़ी लोगों से बोला तो ये लोग मुझसे बोलते हैं कि हमने आज पहली बार देखा है स्कूलों का बच्चा है, यहाँ बाथरूम बराबर बच्चे जाते भी होंगे सर, इनको अभी तक नहीं पता, अवेयरनेस बिल्कुल एक पैसे की नहीं है कि यहाँ पर ये कर रहे हैं। मेरा बस मोटिव ये था सर आपको बताने का। अच्छा, जो चाहता था 100 नंबर डायरेक्ट पुलिस भी बुला सकता, जैसे ही मैंने इन्फॉर्म किया तभी इन्होंने डिलीट कर दिया। देखिए सर, क्या इस तरीके की शिक्षा बच्चों को पहुँच रही होगी, सही शिक्षा दे पा रहे हो? बिल्कुल निगेटिव है सर, ये अप्रोच इनकी बिल्कुल निगेटिव है, इनकी अप्रोच है ही नहीं सर बच्चों को पढ़ाने के लिए। यदि अप्रोच इनकी होती है कि क्या घर में भी ऐसे ही करते हैं लोग, ये क्या अप्रोच घर में नहीं रखते, क्या घर में चीज़ें नहीं रखते आदमी, क्या जो माहौल स्कूल का घर का आप डिफरेंसेस कर रहे हैं कि बस सैलरी बेस्ड काम कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे इसके अलावा कि सैलरी हमारी बन जाए और हम मस्त में रहें, हमारा रिटायरमेंट हो जाए, यहाँ से हमारी पेंशन बन जाए। अभी आप करेंगे, अभी हड़ताल कर देंगे एक सेकंड के अंदर, लेकिन बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो नहीं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, मतलब हम सबकी जिम्मेदारी है। इस पर लिखा था कुत्ते का बच्चा, मतलब कि कुत्ते के बच्चे हमारे बच्चे, हमारे बच्चे जो है हम भी उस लॉबी में खड़े होते हैं हम लोग। ये साहब, ये यहाँ का शिक्षा का वो है स्टैंडर्ड, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ पढ़ाई को ऑलरेडी एम्फोसिस किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है सर? मतलब इन्होंने प्रशासन से, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से और चीज़ों सबसे ऊपर खड़े हैं लोग, इसलिए इनके निगाहों में केवल सैलरी और पेंशन, बाढ़ में जाए भारत, बाढ़ में जाए जनता, हमें मतलब कुछ नहीं है। दांग स्कूल में जो गालियों का ही एक स्लोगन बना दिया गया है, क्या कहना है सबसे? जी, आप ही के माध्यम से मुझे पता लगा है, मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं, जांच कर इस पे संबंधित जिसने भी ये किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, इस तरीके की जो ऐसा स्लोगन लिखा गया, क्या मानते हैं? ये निश्चित रूप से गलत है, बच्चों पर जाहिर ही बात है फर्क पड़ना चाहिए। हाँ, क्या कार्रवाई होने की कब तक रहेगी? पता तो दिया आपको, खंड शिक्षा अधिकारी को मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं।